रतलाम में देह व्यापार में शामिल महिलाओं को जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कैंप लगाया। इसका मकसद समाज में फैली हुई बुराई को दूर करना है। इस कैंप में अधिकारियों ने बच्चों से सीधा संवाद किया, जहां अधिकतर बच्चों ने कहा कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, पर आर्थिक स्थिति को बाधा बताया और कहा कि हम पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। वहीं अधिकारियों ने कहा कि हम आपके उज्जवल भविष्य, सशक्त और आपकी सहायता के लिए यहां आए हैं। पुरानी जो ओल्ड मॉडल था, जो पुरानी सोच थी लोगों की, वो उसी सोच की वजह से आज इन कुरीतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे धीरे धीरे यहाँ से बच्चियाँ भी निकल रही हैं और अपने को एजुकेट कर रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले लगभग 10 या 15 साल में यहाँ पर जो कुरीति व्याप्त है वो हट जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी एक तरीके से। मैं मानती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम रहा है वो 100% सफलता को छुएगा, और जो समाज कल्याण के उत्थान के लिए जो आज का प्रोग्राम रखा गया था वो उस उद्देश्य को यहाँ के लोगों को बराबर मात्रा में सबको मतलब उसका लाभ मिलेगा, सारे लोग यहाँ पर लाभान्वित होंगे। हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण जो है वो इस संबंध में पहल कर रहा है और विशेष रूप से इन लोगों के लिए, इनके कार्य, इनके समाज में योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए स्पेशल बजट भी हम लोगों को दिया जा रहा है, जिससे इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जितनी भी मैंने बातें की हैं, सबसे पहले इसका मैंने तैयारी की है, रूपरेखा बनाई है, सबसे चर्चा करी है, सब विभाग से बातचीत करने के बाद ही मैंने कोई बात की।